नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है द 100 विमेन के 6th गेम का, जो खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और लंदन स्पिरिट के बीच में। सेकेंड ही हेड टू हेड गेम है, इससे पहले वाला मैच लंदन स्पिरिट ने जीता है। दोनों टीम्स चाहेंगी कि यहाँ पे जीत हासिल कर सकें। दोनों का ही पहला मैच वॉश आउट हो गया था बारिश के चलते, चाहेंगे कि इस गेम में जीते और दो पॉइंट्स हासिल कर सकें। वेदर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक में रहा है, यहाँ पे भी आपको बारिश दिख सकती है। चलते हैं वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया है 134 रन्स का, और टीम बैटिंग फर्स्ट लास्ट 3 गेम्स में से तीनों बारी ही जीती है। बात करें पेस वर्सेस स्पिन की, तो लास्ट 5 गेम्स में 48 विकेट्स में से 25 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने, और बाकी पेसर्स ने ऑलमोस्ट इक्वल मदद मिलते हुए दिखी है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का। तो यहाँ पे मोस्टली ओपन करते हुए आपको दिखेंगे फी मॉरिस के साथ एमा लैम, नंबर 3 पर लॉरा वुलवर्ट, डियांड्रा डॉटन, एमी कैम्बेल, सोफी एकलस्टन इनकी कैप्टन, केटी जॉर्ज, कैथरीन ब्राइस, एली थ्रेलकेट इनकी विकेट कीपर, अमांडा वेलिंगटन और महिका गौर। बात करें लंदन स्पिरिट के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो इनकी कैप्टन आपको लीड करते हुए दिखेंगी और ओपन करते हुए दिखेंगी हेदर नाइट, उनके साथ डैनी गिब्सन, नंबर 3 पर अमेलिया केर, ग्रेस हैरिस, रिचा घोष, ग्रेस क्रेवंस, सोफी मुनरो, सेरा ग्लेन, चार्ली डीन, तारा नॉरिस और लॉरेन फाइलर। लंदन स्पिरिट की जैसे मैंने पहले बताया था, काफ़ी बैलेंस्ड साइट लग रही है। इनके पास एग्रेसिव बैटर्स से लेकर एंकर्स तक सब कुछ मौजूद है, प्लस इनके पास एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी है तारा नॉरिस के रूप में। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू की। तो सबसे पहले आ जाती है तारा नॉरिस। इस वेन्यू पर 3 बारी खेली हैं और 3 विकेट निकाली हैं इन्होंने, स्ट्राइक रेट रहा है 17 का। दूसरी होंगी स्पिरिट से चार्ली डीन, जो कि 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं। यहाँ जो तीसरी टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे हैं, वो है मैनचेस्टर ओरिजिनल से एमा लैम। 13 इनिंग्स खेल चुकी हैं, 380 रन बना चुकी हैं, 12 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका इस वेन्यू पर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लेजेंड सोफी एकलस्टन, जो कि इस ग्राउंड पे 11 बारी खेल चुकी हैं और निकाल चुकी हैं 16 विकेट, स्ट्राइक रेट है केवल 15 का। बात करें टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड की, तो यहाँ पे पहला नाम आता है स्पिरिट से सारा ग्लेन का, जो कि 2 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 2 विकेट्स। और दूसरी होंगी अमेंडा वेलिंगटन, जो कि 2 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 7 विकेट्स और स्ट्राइक रेट रहा है केवल 6 का। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की। पहले बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारी पहली टॉप पिक रहेगी ओरिजिनल से एमा लैम, ओपन करते हुए दिखेंगी और 2 से 3 सेट डालते हुए भी दिखेंगी। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर हैं इस वेन्यू पे, 380 रन बना चुकी हैं। एक्सेलेंट ऑलराउंड आउटिंग थी पिछली बार भी जब इस वेन्यू पे खेली थी, 31 रन बनाए थे और 2 विकेट्स भी निकाली थी। एमा लैम का मैचअप अगर आप देखोगे तो 33 रन बना चुकी हैं स्पिरिट के बॉलर्स के अगेंस्ट, जो केवल एक ही बारी आउट हुई हैं, वो भी हैदर नाइट ने इन्हें आउट किया था, जो कि लाइकली इस गेम में नहीं बॉल करने वाली हैं, क्योंकि लंदन स्पिरिट के पास काफ़ी सारे स्पिनर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ग्रेस हैरिस है, एमेलिया केर है, सारा ग्लेन है, चार्ली डीन है, तो ये मोस्टली बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगी। जो अगली टॉपिक है वो होगी लॉरा वुलवर्ट ओरिजिनल से ही, या तो ओपन करते हुए दिखेंगी या नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। इसके साथ साथ ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं इस कंपटीशन में, 467 रन बना चुकी हैं 52 की एवरेज से। लीडिंग रन गेटर थी लास्ट सीजन में भी, जहां इन्होंने वूपिंग 72 की एवरेज से बनाए थे 286 रन। लॉरा वुलवर्ट के मैचअप की बात करें तो 144 रन बना चुकी है स्पिरिट बॉलर्स के अगेंस्ट 36 की एवरेज से, काफी पसंद करते हैं इनके अगेंस्ट खेलना। अगली टॉपिक होगी बैटर सेक्शन में हेदर नाइट स्पिरिट्स की कैप्टन, ये भी ओपन करते हुए ही दिखेंगी बट बॉलिंग करते हुए शायद ना दिखें। जैसे कि हमने बताया इनके पास काफ़ी सारे स्पिन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैचअप्स की बात करें तो 204 रन बना चुकी हैं 40 की एवरेज से अगेंस्ट ओरिजिनल्स बॉलर्स, एंड वेलिंगटन और एकलस्टन ही ऐसे 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने इन्हें 2-2 बारी आउट किया है। इसके अलावा अगर इनके आप लास्ट 3 आउटिंग्स देखोगे इस कंपटीशन में, तीनों बारी ही ये 30 से ऊपर रन बना चुकी हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पे हमारी टॉपिक्स रहेगी स्पिरिट से एमेलिया केर, ग्रेस हैरिस और डैनी गिब्सन, और ओरिजिनल से रहेगी डियांड्रा डॉटन। बात करें ग्रेस हैरिस की, तो नंबर 4 पर स्लॉट करते हुए दिखेंगे और 2 से 3 सेट्स डालते हुए भी दिखेंगी। इस साल T20s में आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो अच्छे ऑलराउंड रिटर्न्स रहे हैं। 15 इनिंग्स में उन्होंने 306 रन बनाए हैं और साथ साथ 7 विकेट्स भी निकाली हैं। बात करें मैचअप्स की अगर, तो ये वेलिंगटन के अगेंस्ट जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखी हैं, जो इन्हें 3 बारी आउट कर चुकी हैं केवल 20 बॉलों में और इनका एवरेज है केवल 7 का इनके अगेंस्ट। अगर मैं ग्रेस हैरिस के बॉलिंग मैचअप की बात करूं, तो जितने भी ओरिजिनल्स के प्लेयर्स हैं उनमें से इन्होंने केवल वॉलवार्ड और डॉटन के अगेंस्ट ही बॉलिंग करी है और दोनों को एक एक बारी आउट किया है, एवरेजिंग 12 पर विकेट।
नेक्स्ट होगी अमेलिया केर जो कि नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी और स्पिरिट्स के लिए गो टू बॉलर रहेंगी करंट सिचुएशंस में। टेरिफिक रिटर्न्स था बैट के साथ पिछले 11 T20 आउटिंग्स में अगर आप देखो तो 42 की एवरेज से बना चुकी हैं 296 रन्स, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। बात करेंगे पिछले 14 T20s की तो उसमें इन्होंने 9 बारी 2 या 2 से ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं। मैचअप्स की बात करें तो एक्लस्टोन के अगेंस्ट जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखी हैं जो इन्हें 3 बारी आउट कर चुकी हैं 36 बॉल्स में, बट बॉलिंग मैचअप अगर आप देखोगे तो वॉलवार्ट को 2 बारी आउट कर चुकी हैं और उनका एवरेज है केवल 21.5 पर विकेट का इनके अगेंस्ट। बात करें डैनी गिब्सन की तो ये ओपन करते हुए दिखेंगी मोस्टली बॉलिंग और बैटिंग दोनों स्पिरिट के लिए। टेरिफिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है टी ट्वेंटीज में इस साल जहां ये 10 इनिंग्स में बना चुकी हैं 216 रन और निकाल चुकी हैं 10 विकेट्स। अब अगर इनके मैचअप की बात करें तो ये 3 विकेट्स ले चुकी हैं ओरिजिनल्स के टॉप 7 के अगेंस्ट केवल 4 की एवरेज से, एंड पिछली बार जब इस कॉम्पिटिशन में खेली थी काफ़ी इंप्रेसिव फिगर्स था, 15 बॉलों में इन्होंने ली थी 2 विकेट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डियांड्रा डॉटन नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी, ये भी 2 से 3 सेट डालते हुए दिखेंगी। डियांड्रा डॉटन के मैचअप की बात करें तो उन्होंने स्ट्रगल किया है स्पिरिट बॉलर्स के अगेंस्ट, 4 बारी आउट हो चुकी हैं, एवरेज है 13.5 का, एंड अभी तक इन्होंने हैरिस, चार्ली डीन और डैनी गिब्सन के अगेंस्ट एक भी रन नहीं बनाया है और तीनों ने ही इन्हें एक एक बारी आउट किया है, तो थोड़ा मैचअप्स तो इनके फेवर में नहीं है। बट अगर हम इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट 3 आउटिंग्स में इन्होंने 102 रन बनाए हैं और केवल एक ही बारी आउट हुई हैं, प्लस लास्ट सीजन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रही हैं जहाँ इन्होंने 4 इनिंग्स में 147 रन बनाए थे 74 की एवरेज से और निकाली थी 4 विकेट्स। डिफरेंशियल पिक की दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ओरिजिनल की फी मॉरिस को, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगी, या तो ओपन करेंगी या फिर नंबर 3 पर स्लॉट करेंगी, एंड 2 से 3 सेट्स भी डालते हुए दिखेंगी। जो इनका करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है वो भी स्पिरिट के अगेंस्ट ही आया था जब इन्होंने 2 विकेट्स निकाली थी, एंड एक्सीलेंट रही थी ये भी जो शार्लेट एडवर्ड्स कप हुआ उसमें इन्होंने 8 इनिंग्स में बनाए थे 209 रन और निकाली थी 7 विकेट्स। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे हमारी टॉप पिक्स रहेगी दोनों ओरिजिनल्स हैं अमेंडा वेलिंगटन और सोफी एक्लस्टन। वेलिंगटन की बात करूँ तो ओरिजिनल्स के लिए ट्रम्प कार्ड रहेंगी ये बॉल से इस साल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इनके पास टफ ओवर्स बॉल करने की। लास्ट सीजन भी लीडिंग विकेट टेकर थी हैं, 8 इनिंग्स में निकाली थी 17 विकेट, स्ट्राइक रेट था 9 का। ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर हैं इस कॉम्पिटिशन में भी, 31 विकेट अभी तक निकाल चुकी हैं, एंड अब वेलिंगटन के मैचअप देखोगे तो 8 बारी ये आउट कर चुकी हैं स्पिरिट के टॉप 7 को, एवरेज है केवल 15 का, जिसमें से ग्रेस हैरिस को इन्होंने 20 बॉलों में 3 बारी आउट किया है और ऋचा घोष को केवल 3 बॉलों में 1 बारी आउट कर चुकी हैं। बात करें सोफी एक्लस्टन की तो इनका तो नाम ही काफ़ी है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगी बॉल के साथ और मेजर रोल निभाएंगी बैट के साथ भी। ओरिजिनल्स की लीडिंग विकेट टेकर थी लास्ट सीजन, 8 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। लीडिंग विकेट टेकर है इस वेन्यू पे भी, 16 विकेट्स निकाल चुकी हैं, पसंद करती हैं यहाँ खेलना। और अगर आप सोफी एक्लस्टन का मैचअप देखोगे तो ये 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं अगेंस्ट स्पिरिट्स टॉप 7 बैट्समैन, एवरेज है एज लो एज 14.1 का, जिसमें इन्होंने सबको ही परेशान किया है। अमेलिया केर को आउट किया है 9 इनिंग्स में 3 बार, केवल 13 का एवरेज है उनका इनके अगेंस्ट। इसके अलावा डैनी गिब्सन को 1 बारी आउट कर चुकी हैं, हेदर नाइट को 2 बारी आउट कर चुकी हैं, ऋचा घोष को 3 बारी आउट कर चुकी हैं, सबका ही एवरेज काफ़ी पुअर है सोफी एक्लस्टन के अगेंस्ट। तो दोस्तों डिफरेंशियल पिक की बात करें बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे स्पिरिट की राइट आर्म मीडियम पेसर सोफी मुनरो को, मेजॉरिटी ऑफ अपने सेट्स डेथ में डालते हुए दिखेंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बैटिंग से भी हाई पर फिनिश करने की। 3 विकेट्स निकाल चुकी है इस कॉम्पिटिशन में अभी तक 25 की स्ट्राइक रेट से, एंड इनका भी शार्लेट एडवर्ड्स कप इस साल काफ़ी अच्छा गया था जहाँ इन्होंने 5 इनिंग्स में निकाली 6 विकेट, स्ट्राइक रेट था 12 का। चलते हैं दोस्तों कैप्टनसी पिक्स की तरफ, तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में हम यहाँ रेकमेंड करेंगे आपको ओरिजिनल से सोफी एक्लस्टन को और स्पिरिट से अमेलिया केर को। दोनों के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बैट और बॉल दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करें। बात करें डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे दोनों ही ओरिजिनल से, ओरिजिनल की लेग ब्रेक बॉलर अमेंडा वेलिंगटन और ओरिजिनल की ही ऑलराउंडर डियांड्रा डॉटन। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्या बनती है हमारी बेस टीम। तो सीधा बैटर सेक्शन में रहेगी एमा लैम, लॉरा वुलवर्ट, हेदर नाइट। ऑलराउंडर सेक्शन में डियांड्रा डॉटन, ग्रेस हैरिस, अमेलिया केर, डैनी गिब्सन। बॉलिंग सेक्शन में अमेंडा वेलिंगटन, सोफी एक्लस्टन। अब इन प्लेयर्स के अलावा सैरा ग्लेन और चार्ली डीन स्पिरिट से दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए डिपेंडिंग ऑन पहले कौन बॉलिंग कर रहा है। इसके अलावा विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष भी एक अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही थी जब इंडिया के लिए खेल रही थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आपने अगर व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो बाकी सारे गेम्स के प्रीव्यूज़ के लिए। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।